भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। इंदौर में डिजिटल हाउस अरेस्ट के मामले में एक के बाद एक लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आरआर कैच के सीनियर साइंटिस्ट को करीब 6 दिन तक डिजिटल हाउस अरेस्ट कर उनसे 71,33,000 रुपए ठग लिए हैं। फिलहाल पूरे मामले में जब उन्हें अपने साथ हुई ठगी की जानकारी लगी तो पूरे मामले की शिकायत उन्होंने इंदौर क्राइम ब्रांच को की और इंदौर क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जाँच पड़ताल करने में जुटी हुई है। पूरा मामला इंदौर क्राइम ब्रांच से संबंधित है। इंदौर क्राइम ब्रांच के ऑफिस में आकर आरआर कैच के एक सीनियर साइंटिस्ट अनिल कुमार और उनकी पत्नी के डिजिटल हाउस अरेस्ट से संबंधित शिकायत आई है। वहीं साइंटिस्ट ने पुलिस को ये शिकायती आवेदन दिया कि 1 सितंबर को सुबह उन्हें मोबाइल नंबर से फोन आया और कहा गया कि 18 अगस्त 2024 को आपके आधार कार्ड से दिल्ली से एक सिम कार्ड जारी हुआ है, जिससे गैर कानूनी विज्ञापन और महिला उत्पीड़न संबंधित SMS भेजे जा रहे हैं। ठगों ने टाइक के अफसर बनकर धोखाधड़ी करने वाले ठग ने अपना नाम सुशांत कुमार बताया। उसके बाद एक शिकायत नंबर भी साइंटिस्ट को बताया। साथ ही उसने साइंटिस्ट से कहा कि यदि आपको इस गिरफ्तारी से बचना है तो लाखों रुपए अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी को देना होंगे और तकरीबन 71,33,000 रुपए कार्रवाई से बचने के लिए देना होंगे। इसके बाद साइंटिस्ट ने पहले तो रुपए देने में आनाकानी की, जिसके चलते 6 दिनों तक उन्हें और उनकी पत्नी को लगातार ED, CBI, RBI, ट्राई और दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर फोन आने शुरू हो गए। उसके बाद उन्होंने 71,33,000 रुपए ठगी करने वाले व्यक्ति के द्वारा दिए गए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। साइंटिस्ट के द्वारा पैसे ट्रांसफर करते ही धोखाधड़ी करने वाले ने अपना मोबाइल बंद कर लिया और जब उन्होंने गूगल या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सर्च किया तो उन्हें हाउस अरेस्ट से संबंधित जानकारी लगी। उसके साथ उन्हें अपने साथ हुई ठगी की जानकारी लगी। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले पूरे मामले की शिकायत द्वारकापुरी पुलिस को की और उसके बाद पूरे मामले की जानकारी इंदौर क्राइम ब्रांच को दी। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल DCP राजेश दंडोटिया ने पूरे ही मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। बता दें कि इंदौर में यह तकरीबन 15वीं डिजिटल हाउस अरेस्ट की घटना है। वहीं प्रारंभिक तौर पर पुलिस को यह भी जानकारी लगी है कि धोखाधड़ी करने वालों ने साइंटिस्ट से रुपए लेने के बाद उन्हें 23 खातों में ट्रांसफर किया है। प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने उन 23 खातों को चिन्हित कर लिया है। अब पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। भारतीय न्यूज के लिए दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। इंदौर में एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, जिसमें क्राइम ब्रांच में FIR की गई है। इसमें जो फरियादी हैं वो अनिल कुमार, जो कि साइंटिफिक सहायक के रूप में कैट में पदस्थ हैं, और इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके पास 1 सितंबर को एक कॉल आया और उस कॉल में ये ट्राई से कॉल आया था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कॉल आया था दिल्ली से। उनके द्वारा अपने आप को दिल्ली से कॉल करना बताया और ये बताया गया कि आपके नाम से आपके आधार कार्ड पर एक फर्जी सिम इशू हुई है, एक सिम इशू हुई है, और आप जिसमें कि जो ऑब्सीन कंटेंट भेजा गया है लोगों को, उसमें जो महिला उत्पीड़न संबंधी कुछ मैसेज भेजे गए हैं, तो इस पर से आपके खिलाफ केस रजिस्टर्ड, आप संबंधित थाने में चले जाएं। तो उन्होंने बोला कि मैं संबंधित थाने में कैसे जाऊं, कैसे रिपोर्ट करूं, तो उन्होंने बोला हम आपको रिपोर्ट कराते हैं, और क्राइम ब्रांच में उनको कनेक्ट कर दिया। क्राइम ब्रांच के द्वारा ये बताया गया कि आपके खिलाफ एक कंप्लेंट है, इसमें 300 लोग सस्पेक्टेड है, जिसमें आपका भी नाम है, आपके खिलाफ FIR है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निगरानी में ये पूरी जांच चल रही है, जिसमें ED और CBI सभी लोग इसमें काम कर रहे हैं, और आपके खिलाफ वारंट यूज हुआ है, और उसके बाद इनको एक ED का नोटिस और एक CBI का एक वारंट इनको बनाकर दे दिया गया, व्हाट्सएप पर भेजा गया, और आपका जो अकाउंट यूज हुआ है वो मनी लॉन्ड्रिंग में अकाउंट यूज हुआ है, ड्रग ट्रैफिकिंग में आपका जो अकाउंट का यूज किया गया है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी अकाउंट यूज किया गया है। 17 बच्चों की जान को खतरा है, इस वजह से आपका केस प्रायोरिटी पर लेने को बोला गया है, लेकिन अगर आप किसी को शेयर नहीं करेंगे तो आपके केस को प्रायोरिटी पर लिया जाएगा। तो उन्होंने, क्योंकि इसमें पुलिस एजेंसी भी मिली हुई है और इसमें जो टेलीकॉम दूरसंचार के लोग भी मिले हुए हैं, ऐसी स्थिति में काफ़ी गोपनीय जांच चल रही है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंडर ये पूरी जांच चल रही है, ऐसा उसको बताया गया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम जांच में सहयोग करेंगे, आप डिजिटली आप हमें एविडेंस देंगे, डिजिटली हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन मदद करेंगे। और इनको लगभग 6 दिन तक इनको डिजिटली अरेस्ट रखा, जिसमें बीच बीच में इनको ब्रेक भी दिया गया। कुल मिलाकर इनसे 71,34,000 का इनके साथ फ्रॉड कर लिया गया। इनके द्वारा ये बताया गया कि RBI आपके जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा है उसकी जांच करेगी, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास म्यूचुअल फंड है, इनको ब्रेक कर लें और इन सभी को कैश करा लें। और कुल मिलाकर उसने 71,34,000 जो कुल रकम थी उसको ट्रांसफ़र करा लिया गया, और ये बताया गया कि 1 घंटे में वेरीफाई कर लिया जाएगा, अगर ये अमाउंट लीगल होगा तो आपको पैसा वापस आ जाएगा, आप संबंधित थाने में जाकर हमारी बात करा दीजिए।
फरियादी जब संबंधित थाने पर गया तब उसको पता चला ये फ्रॉड हो गया है, उसके द्वारा तत्काल 1930 पर कंप्लेंट की गई और कंप्लेंट करने के बाद यहाँ पर क्राइम ब्रांच में इसका केस आया और क्राइम ब्रांच में प्रारंभिक जांच के आधार पर केस रजिस्टर कर लिया गया। इसमें फिलहाल जो प्रारंभिक आधार पर 4 अकाउंट यूज हुए हैं, जैसे फर्स्ट लेयर के अकाउंट्स हैं, उसके अलावा सेकंड जो लेयर के अकाउंट है वो भी 17 अकाउंट्स आइडेंटिफाइड हुए हैं। इसमें लगातार कार्रवाई की जाएगी, लगभग सभी अकाउंट्स में से बैंक अकाउंट्स में से पैसा निकाल लिया गया है। क्राइम ब्रांच इस केस को लेकर काफ़ी जो टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर आगे बढ़ रही है। आपके गांव शहर प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।